नहीं रहे हो, जिस पीड़ा से समाजवादी पार्टी आज 8 सालों से जूझ रही है, हमारा एक बड़ा नेता जो पूरी तरह से उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, स्वयं आजम साहब, उनकी पत्नी, उनका बेटा जेल गए, सदस्यता ले ली गई, लोकसभा चली गई, विधानसभा चली गई, सब कुछ चली गई, आज अगर उनको न्याय मिला है और उनको हम भारतीय जनता पार्टी से तो न्याय नहीं दिला पाए। हम इस देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, इस देश की न्याय व्यवस्था जो निर्णय करेगी उचित करेगी। पहलवानों की पीड़ा पे समाजवादी पार्टी नोटबंदी हुआ देश में, नोट बदली कैसे देख रहे हैं, 2000 रुपए का नोट बदली हो रही है, इन्होंने ही नोटबंदी की और यही नोट बदली कर रहे हैं। तो देखिए, नहीं ये तो मैं देखिए सुन लीजिए, इसमें सबसे स्पष्ट बात है, जो हमारा नोट बदल रहे हैं, जो हमारी विचारधारा बदल रहे हैं, जो हमारे देश को बदल रहे हैं गलत तरीके से, हम उनको बदलने का संकल्प ले रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बदलने का संकल्प लिया जाएगा, समाजवादी पार्टी को संकल्प। मंत्री जी, आपने बदलने की बात की, हाँ तो होना चाहिए। देखिए एक चीज समाजवादी स्टैंड क्लियर है उसमें। देखिए एक चीज जान लीजिए, भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है, और देश की संसद का किसी के घर का नहीं शिलान्यास हो रहा या लोकार्पण हो रहा, देश की संसद का लोकार्पण हो रहा, और देश के संसद में जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसको हेड राष्ट्रपति करता है। आज उस संसद को सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, ठीक है उन्होंने बनाया, उस पर अलग कुछ तरह की भ्रांतियां हैं, कुछ तरह के विवाद हैं, वो अलग चीज़ है। अगर समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि सेंट्रल विस्टा का, नए संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को करना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी जो बात आदिवासियों की करती है, बैकवर्ड्स की करती है, तो आ तो आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो हम तो चाहेंगे, इस देश का सौभाग्य होगा कि इस देश की संसद का उद्घाटन आदिवासी महिला के हाथ में हो। अभी तो मोदी से पूछिए, नहीं अब आप ये आप हमसे पूछो, वजह क्या, हमारी सरकार होती तो सबसे पहले हम उनको आमंत्रित करते, अब मोदी जी ने क्यों नहीं आमंत्रित किया, ये सवाल उनसे होना चाहिए, न कि योगेश प्रताप। तो मंत्री जी बागेश्वर धाम को लेकर क्या, अरे भाई अरे यार अरे 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 छोड़ो बागेश्वर यार, बात थोड़ा पॉलिटिकल यार, तुम लोग तो इसे उंगली डाल बागेश्वर के यहाँ, उस बागेश्वर ये पब्लिक है साहब, सब जानती है, भ्रष्टाचार हुआ तो दिखाना चाहिए ना उनको, दिक्कत रोज पेपर में आता, आप देखिए कल को, क्योंकि हिंदुत्व वाली सरकार हम नेताओं की रग रग को पहचानती है। इको गार्डन में कर रहे हैं वो सब उन्हीं के आदमी हैं। अब जनता खुद मुद्दों पर उठा रही सवाल, इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, ये सब कुछ है कि विपक्ष का वार, इसने हमारे जन संघर्षों को दबाने का काम किया है, जवाब तो सरकार। देखिए माय भारत पर जनता की आवाज।